सो हेलो दोस्तों, आज मैं काम धाम छोड़ के आपके लिए वीडियो लेके, सो टुडे वी आर गोइंग टू प्ले माइनक्राफ्ट। और अगर तुम लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें मेरा पूरा डायमंड आर्मर खो दिया था, तो अभी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसको लेने के लिए। इसके लिए मैंने कल रात बहुत ज्यादा ग्राइंड करी, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे कहीं ना कहीं से पैसे कमाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को मेन चीज दिखा देता हूँ जिससे मेरा पूरा फ्यूल आता है। तो यहाँ से आता है मेरा पूरा फ्यूल, ये जो सब कारपेट देख रहे हो जो मेरा पूरा इन्वेंट्री भर देंगे वो इससे चलता है। तुम लोग देख सकते हो ये कुछ ट्यूबर्स है, ये खुद से और बनाते जाते हैं। ये कारपेट मैं डालता हूँ अपने स्मेल्टर रूम में जो मैंने बनाई थी। अभी मेरे पास कुछ है नहीं इसमें डालने के लिए। ये देखो ये कॉबलस्टोन है, अगर मेरे पास मैं इसको डालूंगा इसमें, अब देखो सब लाइट अप हो जाएंगे, देख रहे हो इसमें गए कॉबलस्टोन खुद से जाता है एंड ये सब मेल्ट होके मतलब पिघल के इसमें आता है। देख रहे हो भाई साहब, मैंने पूरा अपना जो स्टैंड का क्या बोलते उसको डेजर्ट है पूरा खाली कर दिया। ये देखो यहाँ से कारपेट जाता है एंड ये यहाँ पर जाता है ताकि बाकी की चीज़ हो। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस कांच लेके जाना है एंड बस उसको बेचते रहना है और पैसे कमाने हैं, दैट्स इट। मैं लिटरली अगर मैंने उसकी सुनी नहीं होती ना, युगांग की जो और एक बंदा मेरे साथ खेल रहा था अपने एसएमपी का मेंबर, कैम्बोज एसएमपी का मेंबर, उसने मुझे बताया कि अपने टूल्स मत लेके आ जाना। मैं था ओवर कॉन्फिडेंस, मैंने सोचा कि क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैंने फिर भी अपने टूल्स रखे जो मेन वाले थे मेरे, तो उसलिए मैं बच गया एक्चुअली। लेकिन वो अलग चीज है कि उसके वजह से ही मैं मरा था। कोई नहीं, सबसे पहले मैं काम करता हूँ अपने जो सीक्रेट चेस्ट में जो है मेरा सामान रख देता हूँ जो मुझे अभी नॉट सो सीक्रेट लगती है, क्योंकि मुझे तो लगता है सीक्रेट बची है। ये सब कांच ले लेता है, पहले इसको बेचेंगे देन और बेचेंगे और वैसे होते जाएगा भाई, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होने वाले है, मतलब भाई ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग। तो एक चेस्ट में मैं सारी चीजें रखने वाला हूँ, ये उसके एमरेट से मुझे हाथ नहीं लगाना है, इनको इस तरह से ऊपर रख देता हूँ सारी चीजों को एंड अपने सारे जो ग्लास है इसमें शिफ्ट मार देता हूँ एंड जो एक दो तीन चार पाँच सात ये ग्लास है इसके पेन बना लेते पहले। तो सबसे पहले ले लेते हैं इससे एमरल्ड भाई। एक बंदा शायद मुझे 16 एमरल्ड देगा, 32 प्लस 16 हमें मिलेंगे कितने, 48 में भी या 48 एंड 48 प्लस 16 इज 64। देयर यू गो, वन स्टैक इज क्लियर भाई, एक स्टैक क्लियर हो चुका अपना। अब बस मुझे यही करते जाना है कि बस निकालना है 1 2 3 4 5 6 पेंस में बदल लेते हैं। शायद मुझे ये विलेज थोड़े से और लगेंगे यार, क्योंकि मुझे लगता है इतना कास तो ये खरीदने वाले हैं एक ही टाइम में, मतलब एक ही टर्न में, क्योंकि मेरे पास बहुत कास है, मतलब लिटरली इतना कास है कि मुझे अभी इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी भी नहीं इतने कास की। ऑन द स्पॉट भाई कितने पैसे बना लिए मैंने। तो ये बंदे हमें देते हैं ओशन एक्सप्लोरर और वुडलैंड के मैप। ये बंदा 10 का दे रहा है, ये बंदा दे रहा है सेम प्राइस सबकी। हमें इनसे खरीदना है और बाद में हम जाएंगे वहां पर। लेकिन जितना मुझे पता है वुडलैंड मेंशन में दिमाग खराब करते हैं वो मैजिशियन इवोकर, और जैसे हमारे नेदर की ट्रिप को आप देख सकते हो हमने हद दिया है पूरा। तो भाई हमें कुछ ना भी कुछ करके सबसे बेस्ट आर्मर लेना है जिससे हमारा नेदर का ट्रिप अच्छा जाए। तो देखते कितना हुआ है मेरा, 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ स्टैक ऑफ एमरल्ड्स लाइक लिटरली ब्रो। तो वो चीज आप देख सकते हो वो है पंपकिन का पूरा बना हुआ, हम पंपकिन टावर बनाने वाले एकदम बड़ा, जिसके लिए मैं पंपकिन अभी उगाने के लिए ये देख रहे हो 2 लेंस और बिछाने वाला हूँ एंड और मैं बड़ा करने वाला हूँ इसको पूरा अभी के लिए, ताकि मैं पंपकिन टावर बहुत बड़ा बना सकूँ यार भाई, मतलब इस वर्ल्ड की शान होनी चाहिए पंपकिन टावर। तो हमें सबसे पहले कुछ विलेजर्स चाहिए जो हमें प्रोटेक्शन 4 देने वाले हैं, लेकिन प्रोटेक्शन 4 वाले विलेजर बनाने के लिए हमें नए विलेजर्स चाहिए जो हमें यहाँ पर मिलेंगे। क्या कोई विलेजर है जॉबलेस वगैरह बंदा होगा, तो एक बंदा जॉबलेस है जैसे आप देख सकते हो, ये बंदा जॉबलेस है, एक बंदा हमें मिल चुका है जो प्रोटेक्शन 4 दे सकता है हमें, तो ये ले ले भाई यार, मस्त है ये बंदा वैसे, ये फायर प्रोटेक्शन है इसमें एक्वाफिनिटी एक्चुअली अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको मुझे डिसेंचेंट करना ही पड़ेगा। ग्राइंड शो में जाके सबसे पहले ये सारे जो आर्मर थे उनको ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने वैसे भी नहीं किया। तो बस हमें इनको एन्चेंट करना है, जिसमें सबसे अच्छी एन्चेंटमेंट है वो अच्छी चीज़ है प्रोटेक्शन 4 है इसमें, इसमें फेदर फोरिंग होती है वो नहीं, प्रोटेक्शन 4 ही ले लेते हैं, काम करते हैं प्रोटेक्शन 4। देयर यू गो, ओके कोई नहीं, प्रोटेक्शन 4 एक्वा एफिनिटी, वेल मैं इसमें अनब्रेकिंग वगैरह डाल दूंगा। इसमें क्या है प्रोटेक्शन 4 और इसमें क्या है प्रोटेक्शन 4, नाइस। इसमें क्या है प्रोटेक्शन 4, चेस्ट प्लेट में ले लेता हूँ क्योंकि अभी के लिए मुझे ज़्यादा चेस्ट प्लेट इम्पोर्ट, बस प्रोटेक्शन 4।
बैड भाई। अनब्रेकिंग 3 बस प्रोटेक्शन 4 भी मिल जाए, प्रोटेक्शन 3 चलो कोई नहीं, अनब्रेकिंग 3 प्लीज प्रोटेक्शन मिल जाए यार प्रोटेक्शन। तो अपना जो प्रोटेक्शन का पूरा आर्मर है, प्रोटेक्शन 4 ऑलमोस्ट हो चुका है, तो वैसे मुझे कोई जरूरत नहीं है। और की मैं काम करता हूँ, अपने जो लेगिंग्स है इसमें प्रोटेक्शन 2 है ना, तो नहीं मेरे पास एक्सपी भी नहीं है वैसे। ये जो है अपना आर्मर वैसे रेडी हो चुका है, अब मैं बस मेंडिंग की बुक्स चाहिए जो मेरे पास पड़ी है। काम करता हूँ इससे थोड़ी से ना बुक शेल्फ खरीदता हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं है और मुझे और भी जो है बुक्स बनानी है। तो जो बंदा जो ऐसे ही है तो उसको हमें देनी है जॉब, लेकिन ये लोग बीच बीच में आएंगे इसलिए मुझे इसको करना पड़ेगा किडनैप। तो उसको किडनैप करने के लिए मेरे पास एक प्लान है कि मैं उसको इसको बोट से लेके जाऊंगा। मैं प्रोटेक्शन 4 वाला बंदा बनाने वाला था, लेकिन नहीं मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं उसकी। तो मैं प्रोडक्शन क्या बोलते हैं अनब्रेकिंग 3 वाला बंदा बनाने लगा, क्योंकि उससे मेरा जो आर्मर है उसमें अनब्रेकिंग, सॉरी जो आर्मर है उसमें अनब्रेकिंग लग जाएगी। देर यू गो, अपनी जो है बोर्ड भी तैयार है अब। ओके जल्दी से अभी एक फर्नेस, क्या बोलते हैं उसको, फर्नेस, और इस चीज़ को यहाँ पर डाल देंगे ताकि हम अभी बोट लेके वहाँ पर जाके मैं अब बोट को निकाल दूंगा और जहाँ पर वो बंदा है इस बंदे को लेके अब भगना है। भाई ये बहुत ज़्यादा ईजी था, एक छोटा सा हट बना लेता हूँ जिसमें ये ही बंदा होगा। तो अब हमें जाना है और वहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ लैंटर्न, और देन इट इज़ ओके ब्रो, चिल है सब। अब यहाँ पर अपने लैंटर्न मर गए। क्यों होता है मेरे साथ? A few moments later. तो अब जाके हमें बस एक ही चीज करनी है, वो है इसको, इस बंदे को अंदर डालना है एंड बाहर से दरवाजे लगाना है। अपने दरवाजे हो चुके हैं, अपनी सारी चीजें हो चुकी है। नाउ यू आर गुड ब्रो। भाई नाइस यार, अरे निकल भाई। अब हमें बस क्या करना है, अब हमें बस इससे ट्रेड करते जाना है। लक ऑफ C3 ट्रिगर मत होना बल्कि मुझे नहीं चाहिए। अबे भाई ये तो पता ही नहीं था मुझे, मैं भूल गया था कि ये लोग खोल भी सकते हैं। हाँ मैं सो डम ब्रो। प्रोडक्शन 4 अब मेरी फट रही है, क्योंकि मुझे चाहिए प्रोडक्शन 4, बट मेरे पास पड़ा है प्रोडक्शन 4। जो चीज मेरे पास पड़ी है वो मैं लेने की सोच रहा हूँ, भटका रहा है ये बंदा मुझे, लेकिन मुझे लेनी तो पड़ेगी यार। हाँ ले सकता हूँ क्या? दे दे जितनी देनी है। मेरे पास पैसे खत्म हो गए, रुक मैं आया। तो भाई यहाँ पर आ जा, अरे यहाँ पर येड़े, तो मुझे दे दे बहन के भाई आ जा। यहाँ पर क्या दे रहा है? बिगिन ऑफ आर्थरपॉड्स 5। मुझे वैसे अभी कोई जरूरत नहीं है इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ। एफिशिएंसी 4 भाई ये बंदा मस्त है, सिंपली अमेजिंग ब्रो। नहीं भाई यहाँ पर आ, अरे यहाँ पर आ, वहाँ पर कुछ नहीं है। हाँ वैसे तू यहाँ पर ही रहने वाला अभी, तो अब एक काम करते हैं जल्दी से अपना जो बोर्ड बना लेते हैं, बोर्ड के अंदर उसको घुसेड़ के और लेके चलो उसको जमना पार। तो भाई तू है ना वहाँ पर यहाँ पर भाई बंदा ही वहाँ गया। गो इन दैट, इसको बिठाना है वो नहीं बिठेगा, अकेला छोड़ते ही नहीं है इसको। अरे छोड़ो अकेला इसको, अकेला क्यों नहीं होता तू भाई प्लीज यार। हाँ अब हमें इसके अंदर जाने का, क्या बोलते हैं इसके, अरे यार अंदर जाने का, इसको बनाना है अनब्रेकिंग 3। इसमें मैं भटकने वाला हूँ नहीं। 45 मिनट्स बीत गए लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन मैं करता रहा जब तक मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। एंड अभी मैंने उसका ख्वाब छोड़ ही दिया था कि मुझे अनब्रेकिंग 3 मिलने वाली है, तो मैंने सोचा कि जो भी मुझे अच्छी मिलेगी वो मैं ले लूंगा। लेट्स कट टू द पॉइंट, जब मुझे मिलती है जो मुझे बुक चाहिए थी। ओके तो मुझे थॉर्न्स 3 वाला बंदा मिल चुका है, मैं थॉर्न्स 3 वाला बंदे को ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अनब्रेकिंग 3 मिल नहीं रहा। 4 लेने की कोशिश करी। ओके तो मैं काम कर रहा हूँ अभी, मैं क्या करूँ वैसे भी, मुझे ये तो लगानी है चीज़ें, तो मैं जल्दी से जाके घर पे जाके लगा लेता हूँ ये सब चीज़ें। और तुम लोग को एक और चीज़ अलग लग रही होगी, मतलब जो मैंने एक्चुअली दिखाई नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट कट लेता हूँ इसके लिए तुम लोग को दिखा नहीं होगा, कि मेरा जो विलेज है बहुत गंदा दिखता था पहले, बहुत ज़्यादा गंदा। तो अभी मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी है, मतलब मैंने इस चीज़ को पूरा प्लेन कर रखा है, इसको बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें होती है। अगर तुम लोग पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने पूरा इसको ऐसे ये डोंगर जैसा कर रखा है, डोंगर मतलब माउंटेन, इसमें पड़ी थी मेरी मेंडिंग। तो इसमें डालते हैं थॉर्न्स, मेंडिंग लग गई एंड थॉर्न्स नहीं लग रही है, कोई नहीं, मेंडिंग एंड थॉर्न्स नहीं लग रही है, ठीक है। इसमें लगा देते हैं मेंडिंग भी नहीं लग रही है, थॉर्न्स नहीं लग रही है एक्चुअली, मेंडिंग लग जाएगी। तो इसमें वेंडिंग लग गई है, हमें ये चाहिए, क्या बोलते हैं एक्सपी चाहिए ना, एक्सपी एक्चुअली ना मुझे नीचे बहुत मिल जाएगी। तो सारे लेवर को फ्लिक कर देंगे हम, ताकि जो है हॉपर उनको स्टॉप कर दें, ताकि जो एक्सपी जो बनती रहती है ना वो बस रुक जाए। तो हमें बस क्या करना है, इसके अंदर एक सेट डाल देना है, इसके अंदर जो है एक सेट डाल, हाथ में कुछ रखेंगे नहीं क्योंकि हमें एक्सपी चाहिए ना, तो हाथ में रखने से कोई यूज नहीं होगा।
क्योंकि 17 ठीक है, गंदी चीज़ों को जो है इसके अंदर रखते। अब मैं जाके जल्दी से उनसे ट्रेड कर लेता हूँ। ट्रेड करने के पहले ना चेस्ट प्लेट को थॉन्स लगा ही देता हूँ मैं। लगी था, नाम भी दे देते हैं, रिक्की वाई की चेस्ट प्लेट। ये होता मेरे सारी चीज़ों का नाम। वैसे 13 करूंगा, घर पे जाऊंगा, वापस आऊंगा, वापस 13 करूंगा, वापस घर पे जाऊंगा। बोलने में इतना टाइम लग रहा है, मतलब करने में भाई साहब सालों आ जाएंगे। तो अब हमारा जो थॉन्स 3 है वो अपने चेस्ट प्लेट पे है एंड शूज पे है। तो मुझे और एक बार ही बस आना है क्योंकि बस उतना ही चीज चाहिए मुझे। फिर वो इस पे एक लगा लेते अपनी थॉन्स। और एक्चुअली इसको प्रोटेक्शन भी है, तो ये प्रोटेक्शन लगने के लिए कितना लगता है पता नहीं। इसको लगेगा 7, जितना मुझे लग रहा है ये थॉन्स के लिए लेगा 13। 13 और 7 होते हैं 20, फिर कोई नहीं 20 हो जाएंगे, 22 हो चुका है मेरा। तो ये तो मुझे ये था भी नहीं था। हमें ये प्रोटेक्शन 4 लगानी है इस पर, जो इसको मैक्स कर देगी एंड इस पर लग जाएगी अपनी ये। फाइनली भाई ये अपना जो आर्मर है ये गंदा वाला, इसको निकाल देते हैं। गंदा वाला नहीं है तो हाँ, इनको निकाल के हम ये वाला आर्मर चढ़ा देते हैं। ओके तो हम आ चुके हैं बाहर। पहले जूते, फिर चड्डी, फिर ये डूड। वी आर जस्ट लुकिंग गुड ब्रो। एंड या दिस इज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। अगर तुम लोग नए हो, जितना मुझे लग रहा है तुम लोग नए हो सकते हो इस चैनल पे, तो हाँ प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यू नो कुछ तो हेल्प हो जाती है। दूसरों को लगता है कि हाँ भाई इस बंदे के सब्सक्राइबर ज्यादा, तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हाँ एक छोटी सी हेल्प हो जाएगी। ओके बाय बाय। चलानी चाहिए ना प्रवचन फालतू का, सर पे मुंह तेरे डॉगी जो पाल चुका स्टाइल यूनिक ट्रैक पे, दोनों बंदों का भूत बना देंगे आलतू जलालतू।